अनुराग डोभाल शो जीतने वाले हैं। अरे भाई तैयारियां तो ऐसे ही हो रही हैं। अब तैयारियां क्या हो रही हैं और एल्विश यादव ने उनके सपोर्ट में क्या कहा है और क्या करने वाले हैं, चलिए आप लोगों को फटाफट से बता देते हैं। अनुराग डोभाल, उनका थोड़ा सा जर्नी को देखा जाए, बिग बॉस 17 की जर्नी को, तो पहले आए थे थोड़ा सा डाउन थे, वो कह रहे थे कि अभी मेरा शो स्टार्ट होगा, अभी मैं आऊँगा अपने मोड में, और उसके बाद देखने को मिला कि बहुत सारी बातें हुई या मुनव्वर से कहीं ना कहीं उनकी बनती नहीं है, अनबन रहती है, और उनकी लड़ाई हुई, अरुण से भी लड़ाई हुई, काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, थोड़ा सा फिजिकल वॉयलेंस भी वहाँ पर हो गया कहीं ना कहीं, और उसके बाद यहाँ पर अनुराग को ऐसा लगा कि भाई बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस सिर्फ बाकियों को प्रायोरिटी देते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी जिसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं शो के डिसरिस्पेक्ट की, सलमान खान के डिसरिस्पेक्ट की, और बाकी कंटेस्टेंट्स पर उनसे कहीं ना कहीं दूर रहने लग गए। आप कह लीजिए उनको भी अनुराग का ये जो नेचर था वो पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था अनुराग को कि उनको उनके साथ बायसनेस हो रही है, बिग बॉस कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और उनकी ब्रो सेना को यहाँ पर बारी बारी लाया जा रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ को बारी बारी घसीटा जा रहा है, या कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं उनको गलत ट्रीट किया जा रहा है, मतलब जो भी उनका पर्सपेक्टिव था या जो भी उनका पॉइंट था। तो अनुराग डोभाल ने कहीं ना कहीं, अब फिर ये हुआ कि बिग बॉस ने कहा अब ये जो शो है वो वर्सेस होगा, मतलब अनुराग डोभाल वर्सेस बिग बॉस, तो बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं उनकी टांग खींचना शुरू कर दिया। उसके बाद अनुराग डोभाल ने कहा कि आई वांट टू गो बैक टू होम, मुझे घर जाना है, बिग बॉस प्लीज़ आप गेट खोल दीजिए, मैं जो भी पेनल्टी होगी 2 करोड़ वो सब पे कर दूँगा। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं भाई ये सही नहीं है, मतलब अनुराग डोभाल ने अपनी गलती मान ली। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम फिर देखने को मिला, लेकिन अब फिर लो गए, तो देखते हैं कि अब उनका दूसरा जो सेकंड पार्ट है वो कब ऑन होता है। फिलहाल आपको बता दें कि उनके जो भाई हैं अतुल, उन्होंने एक अपडेट दिया है, अब उन्होंने अपडेट ये दिया है कि वो रोड शो करेंगे अक्रॉस ऑल दी स्टेट्स और वो शुरू होगा असम से। जी हाँ, असम से रोड शो शुरू होगा अनुराग डोभाल के लिए, जहाँ पर यही नहीं होगा कि हाँ अनुराग डोभाल को जिताने वगैरह, एक ये भी पॉइंट रखा गया है कि रोड सेफ्टी को लेकर भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव होंगे, एक अनुराग डोभाल को जिताना है और दूसरा ये होगा कि रोड सेफ्टी के लिए क्या मायने होते हैं रोड सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। असम से शुरू होगा तो ये नोएडा में भी जाएगा इनका रोड शो, और यहाँ पर उन्होंने ये अपडेट दिया है अनुराग के भाई अतुल ने कि ये रोड शो नोएडा में भी जाएगा और एल्विश यादव वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, यानी कि एल्विश यादव रोड शो करेंगे टू सपोर्ट अनुराग डोभाल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यही अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है, और भी जो अपडेट आएगी वो भी आपको बता देंगे। और अनुराग डोभाल के लिए आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा गया है कि वो जब जीतेंगे, जीत कर ट्रॉफी लेकर आएंगे अपने उत्तराखंड में, तो वहाँ पर गैदरिंग की जाएगी, सभी उनके फैंस आएंगे जो उनसे मिल सकेंगे और भी तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो रही हैं कि कब अनुराग डोभाल ट्रॉफी लेकर आएंगे उत्तराखंड और बड़ा सा फंक्शन किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अनुराग डोभाल जीत जाएंगे या उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।